नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि उत्तर प्रदेश का एक फेमस सरकारी संस्थान है, जहां पे कि कैंसर के जो रोगी होते हैं उनका एडवांस लेवल का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहां पे मेडिकल और पैरामेडिकल पोस्ट पर जो है वो यहां पर वैकेंसी निकली है और अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के संबंध में जो भी अब इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और बहुत ही कम प्राइस में आपको सभी सब्जेक्ट्स की जो है वो यहां पे तैयारी कराई जा रही है और यहां पे एडवांस क्लासेस भी जो है वो यहां पे चल चुकी है। आप उनको रिकॉर्डिंग मोड में देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के बहुत सारे आपको यहां पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारा कंटेंट आपको इस ऐप पर मिलने वाला है बहुत ही कम प्राइस में। जो प्राइस है उसको केवल 400 रखा गया है 1 ईयर के लिए। तो आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो ठीक है, तो एक बार हम यहां पे फिर से अपने वापस से हम यहां पे नोटिफिकेशन में आते हैं और यहां से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक भी जो है वो मैं आपको यहां पर शेयर कर दूंगा और इस नोटिफिकेशन को हमने यहां पर डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। ठीक है, तो नंबर ऑफ जब का पोस्ट है ये ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी है और इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है जिनका कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है और उनका यूपी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी लेवल दिया गया है 29,200 से लेकर 92,300 जो है वो आपका यहाँ पर सैलरी लेवल जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की भी जो है वो यहाँ पर वैकेंसी वगैरह निकली है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम यहाँ पर नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर फीस वगैरह दिया गया है। तो फीस यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका होने वाला है 1,000 रुपये, इस पर 18% GST, तो ये आपका हो गया 1,180 रुपये। OBC के लिए जो है वो यहाँ पर सेम फीस होने वाला है 1,180 और SC ST के लिए जो है वो आपके यहाँ पर फीस होने वाली है 708 रुपये इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर फीस है वो यहाँ पर GST सहित दी गई है। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह का जो भी आपके यहाँ पर क्राइटेरिया वगैरह होता है वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर एज के बारे में भी जो है वो यहाँ पे आपका दिया गया है। और इसके बाद हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे लिंक दिया गया, इस लिंक के माध्यम से जो है वो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एज जो है वो यहाँ पर दिया गया कि कम से कम जो है वो आपके यहाँ पर 18 साल जो है वो आपके यहाँ पर एज होनी चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को, और 40 साल से जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पर दी गई है। चलिए, तो यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह भी जो है जो आपका यहाँ पर 27% जो भी आपका होता है वो सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है फार्मासिस्ट के लिए। 10+2 इंटरमीडिएट आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, साथ में आपका 3 महीने का हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो होता है वो आपका सभी का कंप्लीट होता है और साथ में स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये जो है वो आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, ये आपके यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो लिखा गया कि हायर क्वालिफिकेशन डिग्री विल नॉट बी ग्राउंड फॉर डिसक्वालिफिकेशन फॉर एनी पोस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है फिर भी जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके कहने का मतलब यही है। और एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने आपको पहले ही जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। एज क्वालिफिकेशन और यहाँ पर कट ऑफ वगैरह जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर CBT एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन जो है वो आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे कराया जाएगा, जैसे कि आजकल सभी एग्जामिनेशन में जो है वो कराया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है। टोटल जो है आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसमें से 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पर फार्मेसी से होंगे। बाकी जो क्वेश्चन इसमें आपका आपका जनरल इंग्लिश हो गया, आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया और आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैंने इस समय नॉन फार्मेसी के मतलब जो भी आपके यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, GK के आपके यहाँ पर क्वेश्चन हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर कराया जाना स्टार्ट करा दिया गया है। और आप अपने लेवल पे भी जो है आप इन सभी की तैयारी करें, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक एक नंबर की जो है वो आपके यहाँ पर वैल्यू है। तो 60 नंबर में तो आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर करना ही है, जो आपके यहाँ पर 40 नंबर है इसमें भी जो है वो आपको अच्छा स्कोर करना है। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर 1 नंबर का रहेगा और 1/3 नंबर जो है वो आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है,
उसके बाद क्वालिफाइंग नंबर की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो है वो आपका यहाँ पर 50% रखा गया। कहने का मतलब ये कि कम से कम जो है 100 में से आपको 50 नंबर लाना है तभी जो है वो आप इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। और वहीं एससी एसटी के लिए जो है इस वैल्यू को जो है वो यहाँ पर 45 नंबर रखा गया। ठीक है, तो ये सभी जो है वो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं और इसके लिए आप आज से जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर वेबसाइट जो है वो आपके यहाँ पर चलनी शुरू हो चुकी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको यहाँ पर पिन कर दूंगा एक बार जो है वो हम यहाँ पे फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। और लिखा गया है कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3rd December। ठीक है, इसके लिए जो है वो आप 3 दिसंबर तक जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास लंबा समय है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, एम्स का हो गया, ESIC का हो गया, रेलवे का हो गया, इसरो का हो गया, आपका NHM का हो गया, कोई भी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप फार्मेसी पॉइंट ऐप से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।